हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई रूपल एजुकेशन चैनल। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले इरविन क्रिश्चियन कॉलेज, जिसको कि हम ECC इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्काई रूपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं कॉलेज रिव्यू की तरफ और जान लेते हैं इरविन क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में कुछ हिस्ट्री की पहली। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है आपका इलाहाबाद और पूरे इंडिया में भी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चल रहा है और काफ़ी पुराना कॉलेज है यार। आप सोच ही सकते हो, जो कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चल रहा है तो कितना पुराना कॉलेज होगा। ठीक है, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, बात करें फैसिलिटीज़ की यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी तो रहता है सब में। यहाँ पे आपको वाईफाई का भी मिल जाएगा, मतलब वाईफाई अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। पार्किंग देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम फैसिलिटीज़ की बात नहीं करते हैं, हम कोर्सेज की बात करते हैं। तो अब मैं आपको कोर्सेज का नाम बताने वाला हूँ जो इस कॉलेज से ऑफर किया जाता है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इरविन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर का कोर्स आता है BSc, फिर आता है BEd, BA, BCom, PG डिप्लोमा। PG में आप अलग अलग डिप्लोमा कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप जाकर के चेक कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और BCA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PGDM कर सकते हैं, BVocal कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, और भी एक जो कॉलेज कोर्सेज जो एड ऑन होगा वो आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं इनके। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें, मेन मुद्दे प्लेसमेंट की, मैं आपको बता दूं यहां का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो आपको अभी तक गया है यहाँ पे, 5 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट गया है, 2 to 3 lakh तो यार यहाँ पे एक एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम मैं आपका तो बता दूँ 70% के ऊपर यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, कंपनीज की बात करें जो यहाँ पे ऑफर करती हैं आपको प्लेसमेंट, तो विप्रो हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ऑफर करती है, अगर आप यहाँ से एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी स्किल एक्वायर करते हो तो। ठीक है, बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन भैया सिंपल सी बात है, 10+2 होना चाहिए, आप 12 पास होने चाहिए, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। ठीक है, मेन है एंट्रेंस एग्जाम, जो कि ये कॉलेज अपना खुद का लेता है, जिसको कि हम इरविन एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, EEE जिसको बोल सकते हो आप। ये कॉलेज UGC अप्रूव है, NAC अप्रूव है, मतलब जितनी भी आप इसकी बड़ा मतलब बोल सकते हो कि जितनी भी ज़्यादा आप प्रशंसा करो कमी है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं। बात करें स्कॉलरशिप की, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि स्कॉलरशिप, देखिए इस कॉलेज का खुद का कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं चलता है, बट जो UP स्कॉलरशिप होता है, जैसे कि आप और भी कॉलेजेस में फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे भी आप UP स्कॉलरशिप का फॉर्म भर करके UP स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस कॉलेज का खुद का कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, तो नहीं, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला यहाँ पे इंटरनली। ठीक है, कॉलेज के थ्रू कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ये था प्रॉपर रिव्यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस कॉलेज को रिलेटेड, इस कॉलेज को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, जो कि अभी तक आपने शायद कर लिया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आपके पर्सनल रिव्यू करियर काउंसलिंग चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं, यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।